के प्री बोर्ड्स में मेरे बहुत ही ख़राब मार्क्स आए थे और मैं बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहा था, क्योंकि मुझे टेंशन भी था कि मैं 10th में फिर मेरे बोर्ड्स में मैं क्या करूँगा, अगर ऐसे मार्क्स आएंगे आगे क्या होगा, एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें चल रही थी माइंड में। हेलो, मेरा नाम हीरक है, मैं कटक उड़ीसा से हूँ और मैं मेडिटेशन में 2007 से हूँ। और मेरी मेडिटेशन की जो जर्नी है बहुत ही कैजुअल बिगनिंग थी, और मतलब इट वाज नॉट दैट आई वांटेड टू डू इट, लेकिन आई वाज फोर्स्ड बाय माय फादर। मेरे पिताजी ने मुझे ले गए, पत्री सर आए थे 2007 में, तो वहाँ पे पत्री सर का क्लास था और मुझे पिताजी वहाँ पे ले गए मेडिटेशन के लिए, सेशन के लिए। तो हम लोग गए, मन बिल्कुल भी नहीं था लेकिन फिर भी गए और वहाँ पे बैठे, ध्यान किया, जैसे जैसे सर ने बताया वैसे ध्यान किया, अच्छा लगा, घर आ गए, ओवर। उसके बाद मेडिटेशन के बारे में कभी भी नहीं सोचा। फिर जब मेरे प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स थे तो मेरे मार्क्स बहुत ही ख़राब आए थे, 10th के प्री बोर्ड्स में मेरे बहुत ही ख़राब मार्क्स आए थे और मैं बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहा था, क्योंकि मुझे टेंशन भी था कि मैं 10th में फिर मेरे बोर्ड्स में मैं क्या करूँगा, अगर ऐसे मार्क्स आएंगे आगे क्या होगा, एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें चल रही थी माइंड में। फिर हम लोग के घर में एक 2x2 का पिरामिड था, तो उसमें फिर मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया एग्ज़ाम्स के कुछ टाइम पहले, 10th के बोर्ड्स के कुछ टाइम पहले, और एक ऐसा यही इंटेंशन के साथ ध्यान किया कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। तो जब मैं मेडिटेशन करने लगा तो मैं बहुत रिलैक्स फील करने लगा, और क्योंकि मैं रेगुलरली कर रहा था इसी इंटेंशन के साथ कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो उस जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए तो जब मेरा रिज़ल्ट आया, मुझे 81% मिले बोर्ड्स में और प्री बोर्ड में मुझे 49% मिले थे। तो वो जो डिफरेंस था इस चीज़ में, क्योंकि मेरा जो इसी इंटेंशन से मैंने मेडिटेट किया था, तो वो चीज़ मैंने उस चीज़ को फील किया कि अगर मैं इस इंटेंशन के साथ मेडिटेट कर रहा हूँ तो मुझे मैंने जो सोचा है वो मुझे मिला है, तो क्यों ना इसको अपने लाइफ में और प्रोडक्टिव वे में मैं यूज़ करूँ। तो फिर उसके बाद मैं ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा टाइम मेडिटेट करने लगा। आफ्टर 10th मेरा ड्यूरेशन जो है मेडिटेट करने का वो बढ़ गया, मैं 3 आवर्स 4 आवर्स ऐसे बैठता था मेडिटेट करने के लिए, और उसके बाद ग्रेजुअली और भी टाइम बढ़ने लगा, तो मज़ा आने लगा। उसके बाद मैं सब कुछ भूल गया कि हाँ क्या है क्या नहीं। मेरे फ्रेंड्स लोग बाहर बुलाते थे लेकिन मैं जाता नहीं था, रूम बंद करता था, म्यूज़िक चलाता था, लाइट्स ऑफ करके 5-6 घंटे ऐसे बैठ जाता था घर में। तो वो एक फेज़ था जब मैंने इतना ध्यान किया, तो उसमें उस फेज़ में बहुत सारे चेंजेस आए मेरे अंदर, एनर्जेटिकली भी और साइकोलॉजिकली, मतलब मेरी सोच बहुत बदल गई। मैं बहुत ही मेंटली अपने आप को वीक महसूस करता था, मुझे लगता था कि मैं सबसे बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था मेरे में, मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अपने लाइफ में, मेरा क्या होगा, ये सब थॉट्स मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जब मैंने कंटिन्यू मेडिटेट करना स्टार्ट किया तो ये सब चीज़ धीरे धीरे डिसॉल्व होती गई और मेरे लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आने लगे। ऐसे मेरा जर्नी चल रहा था, मेडिटेशन का टाइम स्पैन बढ़ते गया और एक पॉइंट आया कि मैं अपने करियर में एक ऐसे पाथ में था, मैं बहुत ही कंफ्यूज था। मैं सीए का पढ़ाई कर रहा था, सो आफ्टर हैविंग डन द इंटर फर्स्ट आफ्टर हैविंग क्लियर द इंटर फर्स्ट ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप के एग्ज़ाम मैंने अराउंड 5 टाइम्स दिए थे, वो क्लियर ही नहीं हो रहा था, कोई एक सब्जेक्ट में मैं रुक जा रहा था।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अपना कंप्लीट 100% दे रहा हूँ, फिर भी वो मटेरियलाइज क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे फिर एक बार पत्री सर यहाँ पे आए हुए थे, उनके सेशन में हम लोग गए थे, तो सर मौन में थे। तो मैंने एक पेपर में एक अपना क्वेश्चन पुट किया सर को कि सर आई वॉज डूइंग CA सिंस अ लॉन्ग टाइम, फिर और मैं अपना पूरा कंप्लीट एफर्ट दे रहा हूँ, फिर भी मैं उसमें क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो सर को मैंने क्वेश्चन पुट किया, शुड आई कंटिन्यू विथ CA, और एक्चुअली आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग। उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं अपनी वाइफ माई प्रेजेंट माई वाइफ शी इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर, तो उसके साथ में मैंने कुछ एक आध प्रोजेक्ट कुछ किए उसके साथ में, उसको हेल्प किया। तो मुझे उसमें थोड़ा सा इंक्लिनेशन आने लगा उस फील्ड में, तो मैंने उससे उस चीज़ को इम्पोर्टेंस थोड़ा सा मैं उस चीज़ को देने लगा। फिर मैंने सर को पूछा कि सर शुड आई कंटिन्यू विथ CA और शुड आई डू इंटीरियर डिज़ाइनिंग विद दिशा। तो सर ने जस्ट अंडरलाइन किया डू इंटीरियर डिज़ाइनिंग विद दिशा। तो मैंने उस मोमेंट में आई फेल्ट लाइक यस आई हैव गॉट द आंसर, एंड मेरा कॉन्फिडेंस मतलब एक ऐसा बूस्ट हुआ इमीडिएटली, एंड आई डिसाइडेड कि नहीं अब मुझे यही चीज़ करना है। तो अब और आज अगर मैं देखता हूँ अपने आप को 5 to 6 years बैक, मैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में था और आज जो स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें मेडिटेशन का भी पार्ट है, मेरे थॉट पैटर्न्स का भी रोल है, और काफ़ी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग के लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, हम लोग काफ़ी उसके लिए हमेशा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि उसमें से आपको कुछ सीखने का होता है। तो मेरे लिए ये उस फेज़ में जब वो फेज़ था जब मैं CA का पढ़ाई कर रहा था और सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, तब मैंने उस फेज़ में भी काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन किया, और मुझे अपने लिए टाइम वक्त मिला उस मोमेंट में, उस फेज़ में अपने लिए मुझे वक्त मिला। तो मैं उस मोमेंट में मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करता था। तब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हम लोग का माइंड का प्लानिंग कुछ और होता है, लेकिन यूनिवर्सल प्लानिंग हम लोग के लिए कुछ और ही होता है। तो हम लोग अगर उस चीज़ के लिए स्टबन हो जाते हैं कि नहीं मुझे यही करना है, तो इफ़ इट इज़ मेंट टू बी फॉर यू देन इट विल हैपन। बट ऐसा भी होता है कि बहुत बार जो चीज़ हम लोग को नहीं करनी होती है, लेकिन हम लोग स्टबन हो जाते हैं कि मुझे यही करना है, तो हम लोग फिर उस चीज़ में कहीं ना कहीं स्टैगनेंट हो जाते हैं। तो यू शुड बी ओपन, मतलब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग को ओपन रहना चाहिए हमेशा फॉर एवरी पॉसिबिलिटी। तो ये आउट ऑफ द ब्लू मतलब कहीं से भी मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइन करना है। मैंने हमेशा ही सोचा था कि नहीं आई वॉन्ट टू बी इन अ यू नो प्रोफेशन, मुझे बिजनेस नहीं करना है, कोई भी एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। मैं ये सोचता कि मुझे ये नहीं करना है, और मेरे साथ वही हुआ, मैं उसी फील्ड में ही आ गया। तो ये मेरी जर्नी ऐसी रही है इस मेडिटेशन में आने के बाद। वी हैड अ यूथ कार्निवल इन कोलकाता, तो ये फर्स्ट अवेकन यूथ का कार्निवल था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। और मेरे साथ ऐसे ही होता है क्योंकि जैसे मेडिटेशन में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं था करने के लिए, पापा मेरे को ज़बरदस्ती लेके गए थे, तो कुछ अलग ही हो गया मेरे लाइफ में। ऐसे ही इस कार्निवल में साहिल भैया मुझे ज़बरदस्ती लेके गए, मतलब ज़बरदस्ती इन द सेंस उन्होंने बोला तू चल मज़ा आएगा। तो मैं गया और वहाँ पे एक ऐसा माहौल था कि जो मैंने कभी ऐसा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था कभी अपने लाइफ में, मैं बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं था, लेकिन उस 3 दिन में जो सारे एक्सप्रेशंस कभी मेरे अंदर मैंने नहीं देखे थे, वो मैंने एक्सप्रेस किया। और वहीं पे ही मेरी मुलाकात दिशा से हुई थी, और एंड देन वी गॉट मैरिड इन 2018। तो दिस इज़ हाउ आई मेट हर, एंड वी कनेक्टेड, मतलब बहुत ही रैंडम कनेक्ट था ये, मतलब रैंडम इन द सेंस कोई ऐसा फीलिंग नहीं था कि हाँ हम लोग को कुछ ऐसा यू नो
प्रपोज करना एक दूसरे को या कुछ प्यार है तो वैसा कुछ है, वैसा कुछ भी नहीं था. वी जस्ट बिकेम फ्रेंड्स एंड देन एवरीथिंग जस्ट हैपेंड ऑन इट्स ओन. सो हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग का जो जर्नी है, हम लोग उसमें काफ़ी एक दूसरे के साथ सिंक में बहुत सारी चीज़ें फील करते हैं, और उसी लिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, यस वी शुड टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड बी टुगेदर. तो यस, बैंगलोर पिरामिड में अराउंड 13 to 14 days था वहाँ पे. तो आई वॉज ऑन अ ब्रेक, मैं 14 दिन के लिए वहाँ चले गया था. वहाँ पे रहा था, वहाँ पे फुल टाइम मेडिटेशन करता था, किताब पढ़ता था. और ये एक वो बहुत वो एक टर्निंग पॉइंट था काइंड ऑफ मेरे लिए मेडिटेशन के जर्नी में. तो वहाँ पे पिरामिड की जो एनर्जीज जो मैंने फील की और उससे मेरे अंदर जो चेंजेस आए, और भी सारे बहुत सारे चेंजेस आए. वहाँ पे कुछ लोगों से भी मिला मैं, और जो पिरामिड का एनर्जी का जो पावर मैंने जो फील किया वहाँ का, वो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग है. और वैसे ही ये अवेकेंड यूथ पिरामिड सेंटर, तो यहाँ यहाँ तो आना मैं बहुत पसंद करता हूँ. मुझे यहाँ पे जब भी क्लासेस होते हैं तो मैं अपने जैसे ग्रुप में एक मैसेज आता है कि हाँ, यू हैव अ क्लास, वी हैव अ सेशन ऑन संडे 11 AM. तो मैं देखता हूँ मैसेज और मैं तुरंत सोचता हूँ कि नहीं, इस बार मुझे जाना ही है. इफ़ एट ऑल मैं नहीं आ पाता हूँ, आई ट्राई टू मेडिटेट एट द सेम टाइम जब सबको यहाँ बैठते हैं, बट आई ट्राई टू बी प्रेजेंट हियर, बिकॉज मेरा इस पिरामिड के साथ में काफ़ी अच्छा कनेक्ट रहा है. और क्योंकि यहाँ जब हम लोग कैलकटा से अवेकिंग यूथ कार्निवल से रिटर्न आए वहाँ से, तो इस पिरामिड में मैं, साहिल भैया और कुणाल, हम लोग यहाँ पे रात में काफ़ी बार रुके हैं, और इसी यहीं पे ही बैठ के काफ़ी चैनलिंग्स भी हुए हैं मेरे साथ. तो इधर की एनर्जीज जो है वो बहुत ही मेरे लिए, मेरे इवोल्यूशन में बहुत ही कंट्रीब्यूटिंग है यहाँ की एनर्जीज, तो वो बहुत ही मायने रखता है मेरे लिए. और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, मुझे बहुत होमली फील होता है. सो मेरे फैमिली में मेरे मॉम, डैड, बड़े भाई, मेरा छोटा भाई, दादाजी, दादी जी, माई वाइफ दिशा, मेरे भाभी राधिका भाभी, तो ये सब कोई मेडिटेशन करते हैं. सो ऑल आर मेडिटेटर्स. एंड ये एक अभी हम लोग जब भी साथ में रहते हैं तो एक अलग ही एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि एक एक टाइम था जब हम लोग मेडिटेट नहीं करते थे, और जब भी कुछ कुछ होता था तो मम्मी से बहुत डांट पड़ती थी, मम्मी बहुत गुस्सा करते थे, पापा भी बहुत गुस्सा करते थे. लेकिन जैसे मेडिटेट करना स्टार्ट किया सब लोगों ने, तो पापा मम्मी में इतना चेंजेस आ गया, उतने शांत हो गए, और वो जितने ही रेस्ट्रिक्टिव थे उतने ही ऑपोजिट हो गए, और उतना ही फ्रीडम दिया उन्होंने हम लोग को कि आप लोग अपने लाइफ में जो करना चाहो, आपका डिसीजन है, यू डू वॉट एवर यू लाइक टू डू. एंड उस फ्रीडम के वजह से ही हम लोग अपने आप को इतना एक्सप्लोर कर पाए, और लाइफ के सारे सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला. ये जो भी सिचुएशंस आते गए, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, और काफ़ी अच्छा रहता है जब आपके घर में सब कोई मेडिटेट करते हैं और उसी उसी फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, जैसे कि जिसमें आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिले. तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है कि मैं ऐसे फैमिली में हूँ जहाँ पे सब कोई मेडिटेटर्स हैं, और यस तो बहुत ही अच्छा रहा है मेरे लिए. मैसेज फॉर द यूथ इज़ फर्स्ट मेडिटेशन करें, अपने आप को जानें, क्योंकि अनलेस एंड अदरवाइज यू नो योर सेल्फ, यू नो वॉट इज़ गोइंग विद इन यू एंड वॉट यू वॉन्ट टू डू, यू कैनॉट ब्रिंग दैट टू रियलिटी. जब तक आपके अंदर आपको जो करना है वो चीज़ आप नहीं जान पाएंगे, तब तक वो उसको उस चीज़ को आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे. तो पहले आप अपने आप को जानें, ध्यान करें, अपने पैटर्न्स को चेंज करें. बहुत हम लोग के पैटर्न्स बहुत मैटर करते हैं. हम लोग क्योंकि हम लोग की अपब्रिंगिंग जैसी होती है, हम लोग काफ़ी चीज़ अक्यूमुलेट करते हैं पहले से अपने
बचपन से लेके अपने जर्नी में बहुत सारी चीज़ एक्यूमुलेट करते हैं, देखते हैं बड़ों से छोटों से, सबसे जो चीज़ देखते हैं उस चीज़ को सोचते हैं कि यही सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। हम लोगों को यही सिखाया गया कि ध्यान ये सब जो भी है ये बड़े बुजुर्गों के लिए है, लेकिन ये एक इतना बड़ा मिथ है, क्योंकि ये चीज़ पर्सनली मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया है। जितना उनको ज़रूरत है उतना इक्वली आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये इस जब जितने आप कम एज में ये स्टार्ट करते हैं तो आपका फाउंडेशन उतना ही स्ट्रांग होता है। तो आप अगर कम एज से ही मेडिटेट करना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है। तो अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आप जा ये आपकी क्लैरिटी बढ़ती है उस चीज़ से, आप इंट्यूटिव हो जाते हैं, आपकी आपकी सोल के साथ आपकी अलाइनमेंट बेटर होती है, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर सकते हैं और आपके लाइफ में क्या करना है, आपका जो पर्पस है आप उस पर्पस में आगे चल सकते हैं।